तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा है दैट इज डीमोनेटाइजेशन। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचानक दो नोट जो थे, सीरीज ऑफ नोट थे, कौन कौन से थे वो? 1500। वेरी गुड। तो 1000 और 500 के जो नोट थे उसको अचानक इनवैलिड जो था वो करार दे दिया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डीमोनेटाइजेशन है क्या? तो डीमोनेटाइजेशन इज द विड्रॉल मतलब वापस ले लेना ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम अ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स मार्केट में जो करेंसी फ्लो हो रही है उसको अचानक क्या किया गया, विड्रॉल कर लिया गया। तो इट इज अ पर्पस बाय विच अ सीरीज ऑफ करेंसी। सीरीज ऑफ करेंसी का मतलब, सीरीज ऑफ करेंसी मीन्स एक से ज्यादा बेटा उस प्रकार के जितने भी नोट थे, 500 के सीरीज के जितने भी नोट थे, 1000 के सीरीज के जितने भी नोट थे उसको इनवैलिड जो गवर्नमेंट ने जो वो डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये था आपका डीमोनेटाइजेशन। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज 2016 में क्या हुआ था। तो ऑन 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस्ड दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 500 एंड 1000 रुपीस नोट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर। मींस दैट 500 एंड 1000 रुपीस नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे, जो कि 500 और 1000 के नोट को आफ्टर इनवैलिड डिक्लेरेशन भी एक्सेप्ट कर रहा था? बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। वेरी गुड। तो बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक जो थे, मेडिकल को बोला जा रहा था कि आपको दिसंबर तक आपको सारे लोगों से पैसा जो है वो डिपॉजिट लेना है और उसके बदले में क्या देना था, जो करेंसी था उसके बदले में वो रिटर्न दे रहे थे। तो ये था आपका जो कि 2016 में हुआ था। हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ था कि डीमोनेटाइज हुआ था। सबसे पहली बार 1946 में, अर्लियर इट वॉज डन इन 1946 विद द कंप्लीट बैन ऑफ रुपीज 1000 एंड 10,000 नोट टू डील विद द अनअकाउंटेड मनी दैट इज ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी 1946 के दौरान बहुत ज्यादा हो गया था तो उसको भी उस समय बैन किया गया था। तो कौन कौन से नोट को बैन किया गया था, 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज के जो नोट थे उस समय उनको बैन किया गया था, ठीक है। सेकेंड टाइम जो बैन किया गया था दैट इज इन 1978 में जो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तीन नोट को डीमोनेटाइज किया गया था। पहला था आपका 1000 रुपीज, दूसरा था आपका 5000 रुपीज और तीसरा था आपका 10,000 रुपीज नोट। तीनों नोट जो थे उस समय ड्यूरिंग 1978 जो थे वो डीमोनेटाइज हुए थे। क्लियर है बेटा? हिस्ट्री और बैकग्राउंड आपको पता चला कि पहले भी चीजें हो चुकी थी। थर्ड टाइम जो हुआ 2016 में हुआ था, ठीक है। After that, causes, क्यों किया गया डीमोनेटाइज? तो उसका पहला रीजन था ब्लैक मार्केटिंग, दूसरा था करप्शन। What do you mean by corruption? भ्रष्टाचार। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था मार्केट में, तो उस चीज को रोकने के लिए या कम करने के लिए भी डीमोनेटाइज किया गया। देन फेक करेंसी, जाली नोट। आप लोग को पता होगा बहुत सारे जाली नोट भी मार्केट में कई बार फ्लो किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, तो उस चीज को भी रोकने के लिए जो है वो डीमोनेटाइज किया गया था। देन एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी, बहुत सारे लोग जो थे वो पैसा जमा करके रख रहे थे, ठीक है, तो उस चीज को भी रोकना था। और टैक्स इवेशन, जितना इनकम हो रहा था उनको उसके हिसाब से वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो उस चीज को भी रोकने के लिए जो है वो डीमोनेटाइज किया गया। तो ये था आपके कॉजेस ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। क्लियर? यस मैम। आफ्टर दैट इम्पैक्ट,
इम्पैक्ट मतलब कौन कौन से ऐसे एरिया थे जहाँ पे कि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा या इफेक्ट हुआ? तो पहला एरिया आप लोग को दिख रहा है मनी एंड ऑब्लिक इंटरेस्ट रेट. तो पहला दिया गया है डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लाइन? कम हो जाना, मना कर देना, कम हो जाना. तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब जब ये डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ 2016 के बाद, तो कैश ट्रांजेक्शन जो था क्या हुआ? डिजिटल में कन्वर्ट हो गया. कम हो गया. कैश ट्रांजेक्शन जो था वो कम हो गया और डिजिटल में कन्वर्ट हो गया. सेकंड, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गया. अग्री हुए आप? बैंक डिपॉजिट जो जितने लोगों के पास पैसा था वो सब अब बाहर निकल चुका था और उनको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोला जा रहा था. यस मैम. यस मैम. And after that increase in the financial saving, लोग अपना पैसा जो था वो क्या कर रहे थे? जमा कर रहे थे. तो इंटरेस्ट रेट जो था, मनी और इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन जो था वो कम हुआ, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हुआ और लोगों ने फाइनेंशियल सेविंग को बढ़ावा दिया. प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो डिक्लाइन इन द हाई मोनेटाइजेशन और नोट ऑफ 500 एंड 1000 वर नॉट रिटर्न एंड रियल स्टेट प्राइसेस फेल. रियल स्टेट, रियल स्टेट में शेयर मार्केट जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा कमी आ गई, क्योंकि हाई डोमिनेशन वाले नोट थे 500 रुपीस वाले और 1000 रुपीस वाले. मोस्टली जब हम बहुत बड़ा बिजनेस जब करते हैं तो ये नोट का यूज किया जाता है. तो अब ये नोट इनवैलिड होने के कारण जो थे वो बिजनेस, प्राइवेट जो लोग बिजनेस कर रहे थे उसमें कमी आई. देन पब्लिक सेक्टर वेल्थ कोई इफेक्ट नहीं रहा, एज इट इज चल रहा था, लोगों को एज इट इज सैलरी मिल रही थी. देन डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया. Yes, बढ़ावा दिया गया. Yes, yes, ATM के बेसिस पे लोग जो है वो पेमेंट कर रहे थे, एप्स का यूज कर रहे थे, जैसे भीम ऐप हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसके बेसिस पे लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट जो है वो कर रहे थे. नेक्स्ट जो था वो रियल स्टेट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी जैसे होम की बात, ये घर की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा जो था उसमें कमी आई थी. बिजनेस में प्राइजेस जो है वो लगातार कम हो रहे थे क्योंकि कस्टमर्स जो है वो उनको नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं हो रहे थे. तो टैक्स कलेक्शन लास्ट था आपका, टैक्स कलेक्शन. तो राइज इन द टैक्स कलेक्शन ड्यू टू द इंक्रीज डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मतलब जो लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रखा था अब उसको वो बाहर ला रहे थे. तो इसके कारण लोगों के एक्चुअल प्रॉपर्टी का पता चल रहा था, उनके पास कितना पैसा है. और जो लोग टैक्स चोरी कर रहे थे या पेमेंट नहीं कर रहे थे तो इसके कारण उनको पेनल्टी देके भी जो गवर्नमेंट है टैक्स को कलेक्ट कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम. ठीक है, उनके इनकम के बेसिस पे उनसे टैक्स जो है वो लिया जा रहा था. तो ये था आपका इम्पैक्ट ऑफ द डीमोनेटाइजेशन. एक फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके फीचर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे. पीपल विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ कैश एंड पे टैक्सेस अलोंग विद अ पेनल्टी. तो ये भी हो रहा था कि जितने भी ब्लैक मनी वाले थे, पैसा जिन लोगों ने जमा किया था उनको पैसा जो वापस बैंक में जमा करना पड़ रहा था और उसके बेसिस पे उनको टैक्स जो था वो पे किया जा रहा था और पेनल्टी भी साथ में दे रहे थे वो लोग. देन टैक्स इवेशन कंट्रोल मेजर, टैक्स चोरी जो हो रही थी उसको उसमें कंट्रोल आया, बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो कलेक्शन बढ़ गया था. देन चैनलाइजिंग सेविंग इन टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इट फैसिलिटेट इन चैनलाइजिंग सेविंग ऑफ द पीपल into the formal financial system means bank ke deposit badhne ke karan jo hai wo bank loan de pa rahi thi aur tax rate bhi jo tha wo decrease ho gaya tha. Then creating less cash economy ya digitalization ki agar hum baat kare to cash jo tha transaction kam ho gaya tha log kyunki logo ke paas paisa jo nahi paisa nahi tha 500 rupees ya 1000 rupees nahi hone ke karan jo tha wo कैश पेमेंट जो था वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट एप्स के बेसिस पे लोग जो है वो पेमेंट कर रहे थे. अमायरा इज अ 7 इयर्स ओल्ड गर्ल. शी प्लान्ड विद हर फादर टू गिव अ गिफ्ट ऑन हर मदर्स बर्थडे.
उसने हमारा एक 7 साल की लड़की थी, उसने प्लान किया कि वो अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देगी, तो शी टुक हर पिगी बैंक, यू नो पिगी बैंक, तो पिगी बैंक वो शॉपकीपर के पास लेके गई अपने फादर के साथ. शी सिलेक्टेड अ पर्स फॉर हर मदर एंड व्हेन शी टुक आउट वन नोट ऑफ 1,000 rupees फ्रॉम द पिगी बैंक, द शॉपकीपर रिफ्यूज टू टेक दैट नोट. शॉपकीपर ने उस नोट को लेने से इनकार कर दिया, सेइंग दैट इट इज नो लॉन्गर अ वैलिड करेंसी, ये वैलिड करेंसी नहीं है. हर फादर एक्सप्लेन्ड हर दैट शॉपकीपर इज सेइंग राइट. उससे फादर ने बोला कि हाँ ये शॉपकीपर जो है वो सही बोल रहा है. तो व्हाट वाज द रीजन, क्या था रीजन, कि 1,000 rupees उसके पिगी बैंक में था वो अब इनवैलिड हो गया और शॉपकीपर ने मना कर दिया उसको लेने से. तो उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बोला गया है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैरा. तो ऊपर वाले जो केस स्टडी आपका दिया गया है उसके बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे शॉपकीपर ने मना किया उस नोट को लेने से. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीमोनेटाइजेशन. और उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है स्टेट 3 फीचर्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. तो आपको फीचर्स बताने हैं. तो अभी हम लोगों ने फीचर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से कोई भी 3 फीचर्स जो थे वो आपको बताना है इसमें. तो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक बेटा?